सुस्वागतम मित्रों, मैं हूं दिलीप गंगवार। और सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो के नीचे ऐसा सब्सक्राइब का लाल बटन आ रहा होगा, उसे आप प्रेस कर दें तो इससे जो भी मैं नए वीडियोस हमेशा अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे उनका पता आपको लगता रहेगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज के पार्ट में हम देख रहे हैं SQL का सबसे बेसिक चीज, जो कि हम अपने टेबल से हमारा डेटा कैसे शो करते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट उसके लिए हम देख रहे हैं, कैसे हम अपनी टेबल के सारे कॉलम्स, गेट ऑल कॉलम्स हम निकालेंगे बाहर, कैसे हम अपनी टेबल में से कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यूज को शो करेंगे, और कैसे हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज यानी हमारे किसी कॉलम में एकदम डिस्टिंक्ट यानी यूनिक वैल्यूज हों उन्हें हम कैसे शो करेंगे, और उन डिस्टिंक्ट वैल्यूज की काउंटिंग भी। ठीक है, तो ये सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, वो देखते हैं कैसे करते हैं। सिलेक्ट लिखो आप एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क यानी सभी कॉलम्स। टेबल ऐसे ड्रैग कर ले अपन, है ना, जरूरी नहीं टेबल का नाम लिखो, आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। ये शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन एकदम टेबल का ड्रैग कर सकते हैं नाम। ये देखिए, ये सारा हमारे सभी कॉलम, इस टेबल में जितने भी कॉलम हैं उन सारे कॉलम्स, कुछ भी बचेगा नहीं। एक टेबल में से सब कुछ लाना है तो आपको बस एस्ट्रिस्क यानी स्टार लगाना है। सिलेक्ट एस्ट्रिस्क यानी ऑल कॉलम्स ऑल डेटा फ्रॉम दिस टेबल, बस इतना सा सिंटैक्स है सिंपल इसका। हाउ टू गेट सिलेक्टेड कॉलम, अगर हमें सिलेक्टेड कॉलम्स लाने हैं यानी हम चाहते हैं ये कॉलम ना हो या ये ना हो, ये सभी कॉलम्स आ रखे हैं, डेटा उनमें सभी आएगा, पर अगर हम कॉलम सिलेक्टेड चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे हम स्टार पे ले जाते हैं हमारे सारे कॉलम्स की लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाती है, आप देख रहे हो सभी कॉलम्स की लिस्ट है यहाँ पे। तो हम इस कॉलम स्टार की जगह कॉलम्स के नाम लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सिंपल है। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स, मैं यही लिख देता हूँ ऊपर स्टार की जगह। ये देखिए, जो कॉलम आप लिखना चाहें आप जैसे ही लिखेंगे इंटेलिजेंस ड्रॉप डाउन कर देगी उस टेबल में कौन सा कॉलम है, आप आराम से सिलेक्ट कर लीजिए, बस कॉमा लगाते जाइए और कॉलम सिलेक्ट करते जाइए, एग्जीक्यूट। देखिए, अब मैंने यहाँ पे तीन कॉलम दे रखे हैं तो सिर्फ तीन कॉलम का डाटा आ गया, कंप्लीट तीन कॉलम। डाटा के ऊपर हमने कोई भी वो नहीं लगाया, पूरी 374 रोज डेटा पे हमारा कोई भी हमने कोई क्वेरी नहीं लगाई है, हमने सारे कॉलम्स की सारी वैल्यूज को लाया है। ठीक है, तो ये हमारे जो हमने सिलेक्ट करे थे कॉलम उन कॉलम्स की वैल्यू आ गई। अब हाउ टू गेट डिस्टिंक्ट वैल्यूज, अब मान लीजिए एक कॉलम कोई भी कॉलम होता है उसमें से हमें यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो कैसे करेंगे। तो अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज किसी कॉलम से चाहिए होती है कि, अब देखते हैं हम कोई एक ऐसा कॉलम सर्च कर लेते हैं जिसकी हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो करना चाहते हैं। ये देखिए एक कॉलम है मैन्युफैक्चरिंग नेम का, देखिए जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसका ये कॉलम है, तो हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट आ जाए इसमें। तो देखिए रिपीट भी कर रखा है, बहुत सारे प्रोडक्ट के सेम मैन्युफैक्चरर्स हैं और हम चाहते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएँ। ये देखिए, पहले हम इस मैन्युफैक्चरिंग नेम को देख लेते हैं, ये क्वेरी मैंने जो लिखी है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग नेम और कॉलम स्टार यानी मैन्युफैक्चरिंग नेम पहले कॉलम आ गया और फिर सारे कॉलम्स आ गए थे। अब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखेंगे तो इस कॉलम में से यूनिक यानी बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं आएंगे। अभी देखिए 374 पूरी रोज हैं हमारी, अभी देखिए रिपीट हो रहा है, एफएमसी रिपीट हो रहा है, सिम्बायोटिक तीन बार है और भी बहुत बार नीचे होगा, 374 रोज हैं। ये देखिए मैन्युफैक्चरर नेम्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, सिर्फ हमारे पास टास्क है कि मैन्युफैक्चरर नेम के पूरी लिस्ट चाहते हैं, हमने स्टार हटा दिया, एग्जीक्यूट करा, सिर्फ हमारी मैन्युफैक्चरर नेम। अब मैन्युफैक्चरर नेम कितने आए देखिए, 157, यानी 374 रोज का डेटा था उसमें 157 यूनिक यानी हमारे कुल मैन्युफैक्चरर कितने हैं, 157, कोई भी यहाँ पे आपको रिपीट नहीं होगा। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड का काम है, बहुत अच्छा वाला, आपको यूनिक वैल्यू दे देगा किसी भी कॉलम से। अपना टास्क करने वाले हैं उसमें काउंट करना है हमें कि हमारी कितनी कंपनीज हैं। काउंट फंक्शन है सिंपल जो काउंट करता है,
ये देखिए, हाउ टू गेट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए मुझे, नंबर एक एक नंबर चाहिए कि कितनी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो काउंट फंक्शन लगा दीजिए। ठीक है, फंक्शन के आगे हमेशा पैरेंथेसिस आते हैं और उसमें उसको हमें वैल्यू पास करनी होती है। देखिए क्लियर लिखा होता है एक्सप्रेशन, आप क्या एक्सप्रेशन पास कर रहे हो, ये हम काउंट कर रहे हैं टी आर एन वन नेम। ये देखिए जैसे हमने लिखा काउंट टी आर एन वन मैन्युफैक्चरर नेम, तो नीचे आ गया 374। ठीक है, टोटल रोज है हमने पता भी कर ली। ठीक है, पर जैसे हम डिस्टिंक्ट टी आर वन नेम और काउंट लिख देंगे, काउंट फंक्शन और उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया, काउंट हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन लिखा हुआ है देखो, और एक्सप्रेशन क्या है अंदर हमें देनी है कि किस चीज़ को काउंट करना है, तो इस फंक्शन इस कॉलम को काउंट करना, और कैसे करना है डिस्टिंक्ट, यानी इस कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यूज। एक बार दोबारा एग्जीक्यूट कराते हैं, रिफ्रेश हो जाए, ये देखिए 157 आ गए। तो 157 कंपनीज हैं टोटल हमारी जो डिस्टिंक्ट हैं, जिनके नाम बिल्कुल यूनिक हैं। हमने वैल्यूज निकाली कि 157, अगर हम चाहते हैं कि वो एक नीचे जब मैसेज में आए तो एक नाम लिख के आए, अभी तो कोई कॉलम का उसका नाम आ नहीं रहा था, हमने सिर्फ काउंट करा था वैल्यूज को, तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा नंबर ऑफ कंपनीज, एज करके हम कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं शो करने के लिए। तो ये है हमारा काउंट फंक्शन। ये देखिए फंक्शंस हमारे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो हमारे सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन में आप जाओगे, आपको जाना है प्रोग्रामेबिलिटी, ठीक, इसके अंदर आपको दिखेगा फंक्शंस, और फंक्शंस के अंदर आपको दिखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, सिस्टम फंक्शंस, स्केलर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखिए सिस्टम फंक्शंस जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन है ऑलरेडी, और इसके अंदर आपको एग्रीगेट फंक्शंस में देखिए, मैंने आपको ये वाला काउंट फंक्शन अभी बताया, ऐसे ही मैं दूसरे फंक्शंस भी आपको लगातार बताता रहूँगा। ठीक है, और इनका हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे इन फंक्शंस के लिए। तो ये थे हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स में, टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।